इस समय योगी और मोदी का योग है और इन दोनों के मिलकर के और मंदिर को बनाएंगे और निश्चित रूप से योगी को नेतृत्व मिले और आवश्यकता पड़ेगी तो हम संत समाज भी योगी के लिए हाँ क्षेत्रों में आ सकते हैं और योगी सफल हो, यही महंत वैद्यनाथ जी के प्रति श्रद्धांजलि है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं अत्यंत संक्षिप्त सारगर्भित आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पद्म विभूषण से विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट से पधारे। आशीर्वाद स्वरूप दो मिनट महाराज श्री। माइक माइक अब माइक अब तो माइक नहीं लग पाएगा। क्षमा करें महाराज श्री, माइक नहीं लग सकता है। अब मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा प्रार्थना करता हूं। अब चूंकि इस सभागार में और कार्यक्रम आगे नहीं हो सकता, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज श्री। माननीय प्रधानमंत्री जी गोरक्षपीठ प्रांगण में पधार चुके हैं। गोरक्षपीठ प्रांगण में पधारने के पश्चात उनका पहला कार्यक्रम मुख्य मंदिर गोरक्षपीठ में पूजन अर्चन करने के पश्चात अब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, पूज्य परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज जी के साथ ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत वैद्यनाथ जी महाराज के मूर्त के अनावरण के लिए कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। उसके पश्चात सीधे इस सभागार में आएंगे। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों, पूज्य संतजनों, छात्रों, प्राध्यापकों, आचार्यों, प्राचार्यों, भक्तों, आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि माननीय मोदी जी परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर के साथ जब इस सभागार में प्रस्तुत होते हैं, इस सभागार में पधारते हैं, तो भारत माता की जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातृभूमि के वंदन के साथ, मातृभूमि के वंदन के साथ, भारत माता के जयकारे के साथ माननीय मोदी जी का स्वागत किया जाए। निश्चित तौर पर आज बहुत शानदार समीकरण है। आप देखते हैं कि हमारे पूज्य महाराज श्री जिनके विषय में इस देश के, भारत राष्ट्र के तमाम सारे वरिष्ठ संत अपने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए ये बता रहे हैं कि पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज श्री के अंदर वह ऊर्जा है जिससे मोदी और योगी का एक शानदार योग बन रहा है। बहुत शुभ मुहूर्त है। भारत के प्राचीन गौरव को, भारत के प्राचीन गौरव को हासिल करने का क्षण व शुभ अवसर अब आ रहा है। और अब माननीय मोदी जी गोरक्षपीठ प्रांगण में जी वो हमारे बीच अभी सभागार में आ रहे हैं। जोरदार मातृभूमि के जोरदार नारों से हम सब लोग स्वागत करेंगे। अभी समाधि मंदिर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के दिव्य प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम, उसके बाद इस सभागार में पदार्पण। मैंने आपसे निवेदन किया है, इसका ध्यान रखेंगे मित्रों। शानदार नारे मातृभूमि का वंदन, भारत माता की जय के साथ प्रतिमा का अनावरण हुआ। पूज्य महाराज श्री मॉनिटर पर भी आप सबके सामने दिखाई दे रहे हैं मूर्तिमान होकर के इस गोरक्षपीठ में। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी माल्यार्पण कर रहे हैं इस समय। श्रद्धेय महाराज श्री के, ब्रह्मलीन महाराज श्री के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय, मातृभूमि के समर्पित सपूत माननीय मोदी जी, गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज श्री और माननीय राज्यपाल महोदय अब कोई नहीं जाएगा।
आएगा इधर से ना कोई, वहां से पधार रहे हैं इस सभागार की तरफ। पीएम साहब जैसे आते हैं कोई आएगा जाएगा। बहुत अद्भुत, बहुत शानदार, अभूतपूर्व क्षण है पूर्वांचल के लिए, गोरक्षपीठ के लिए, हम सब के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। और अब ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के दिव्य प्रतिमा के अनावरण के पश्चात हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्वविख्यात प्रधानमंत्री, मातृभूमि के सच्चे सपूत माननीय मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय के साथ, परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज जी के साथ इस सभागार में पदार्पण कर रहे हैं। मंगलाचरण होगा तो मंगलाचरण साहब के आने से पहले होगा ना? हो रहा। डॉक्टर रंगनाथ जी तैयार रहे मंगलाचरण के लिए। डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी हमारे बीच कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय पधारने वाले हैं। उस क्षण का बेसब्री से भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत हर्ष का विषय है हमारे बीच गोरक्षपीठ प्रांगण में माननीय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, केंद्रीय उर्वरक रसायन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार जी और परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर हमारे बीच मंच पर पधार चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम को तत्काल आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी को वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए। डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी। स्वस्ति श्री मन्महाकटाधिपतये नमः। हरे ओम सूर्यत्वाच स्वस्थ राष्ट्रम मे दत्त स्वाहा। सूर्यत्वाच स्वस्थ राष्ट्रम मुखमयि दत्त सूर्यवर्च स्वस्थ राष्ट्रम मे दत्त स्वाहा। सूर्यवर्च स्वस्थ राष्ट्रम मुखमयि दत्त ब्रादक्षीतस्थ राष्ट्रम मे दत्त स्वाहा। ब्रादक्षीतस्थ राष्ट्रम मुखमयि दत्त भाषास्थ राष्ट्रम मे दत्त स्वाहा। भाषास्थ राष्ट्रम मुखमयि दत्त शविष्ठास्थ राष्ट्रम मे दत्त स्वाहा। शविष्ठास्थ राष्ट्रम मुखमयि दत्त शकभारीस्थ राष्ट्रम मे दत्त स्वाहा। शकभारीस्थ राष्ट्रम मुखमयि दत्त जानभृतस्थ राष्ट्रम मे दत्त स्वाहा। जानभृतस्थ राष्ट्रम मुखमयि दत्त विश्वभृतस्थ राष्ट्रम मे दत्त स्वाहा। विश्वभृतस्थ राष्ट्रम मुखमयि दत्तापः स्वराजस्थ राष्ट्रम मुखमयि दत्ता मधुमतिर्मधुमतिभिः प्रत्यन्ताम् महि क्षत्रं क्षत्रियाय बन्वाना अनादृष्टाः। सीदत सहौजसो महि क्षत्रं क्षत्रिया यदति विष्णोः कर्माणि पश्यत जातो व्रतानि पशुपाशे इन्द्रस्य जुज्याः सखा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रघुनाथ जी। और इसके पश्चात हमारे मंच पर विराजमान हैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी और केंद्रीय उर्वरक रसायन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार जी। मैं परम पूज्य
गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि देश से आए हुए पूज्य संतों द्वारा इन हमारे सम्मान अतिथियों का सम्मान स्मृत चिन्ह और उत्तरीय प्रदान करके गोरक्षपीठ के द्वारा, इस मंच के द्वारा, पूर्वी उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता के द्वारा, हम सब की तरफ से, देश के सुदूर अंचलों से, भारत के कोने कोने से आए हुए पूज्य संतों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान, उनका अभिनंदन और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हुए देश के कोने कोने से आए हुए पूज्य संत, स्वागत अभिनंदन अपने मातृभूमि के सच्चे सपूत माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार जी का स्वागत अभिनंदन और आशीर्वाद पूज्य संतों द्वारा भारत के कोने कोने से पधारे तमाम धर्मालयों, देवालयों, मठ मंदिरों से पधारे हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी, महामंडलेश्वर और तमाम सारे पूज्य संतों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, उनका सम्मान, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार जी का। राव साहब, महाराज जी को बुलाएं। पूज्य संत जनों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय श्री अनंत कुमार जी का स्वागत अभिनंदन इस गोरक्षपीठ के सभागार में, दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में। और इसके पश्चात मैं आप सबके बीच बड़े गौरव और गरिमा के साथ इस कार्यक्रम की प्रस्ताव की प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के लिए लगाने वाले, राष्ट्र यज्ञ में अपने पूरे जीवन के एक एक क्षण की संविधा प्रस्तुत करने वाले और उत्तर प्रदेश में तमाम सारी संभावनाओं के केंद्र बिंदु माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्षपीठाधीश्वर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की प्रस्ताव की और स्वागत उद्बोधन के लिए। परम पूज्य महाराज श्री, आज के इस पावन समारोह के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संत चरण जगतगुरु रामानंदाचार्य, पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य महंत स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, पूज्य महंत नरहरिनाथ जी महाराज, पूज्य महंत गुलाबनाथ जी बापू, पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ जी महाराज और इस सभागार में उपस्थित पूज्य संत चरण प्रबुद्धजन, ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति स्थापना के इस कार्यक्रम में मैं भारत माता के इस महान सपूत, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का गोरक्षपीठ की ओर से और इस संत सभा की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में देश के पूज्य संतों की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि आज दुनिया के अंदर जिस प्राचीन विरासत को लेकर के संतों की परंपरा चल रही है उस प्राचीन परंपरा को दुनिया के अंदर आज स्थापित करने का कार्य भारत माता को महान सपूत कर रहा है तो वह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं भारत की प्राचीन योग की परंपरा के साथ दुनिया के 192 देशों को जोड़ना आज तक कभी कोई नहीं बोलता था, लेकिन 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखवाना और उस प्रस्ताव को पारित करके 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना करके दुनिया के 192 देशों को भारत के साथ जोड़ना यह अभूतपूर्व सफलता है। भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। आज जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो भारत की विरासत लेकर के जाते हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्षों को अगर कुछ देना है तो गीता देते हैं, एक सार्वभौम ज्ञान का संदेश भारत की उस विरासत को देते हैं। और इसलिए देश के संतों की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन हो, स्वागत हो, यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है। सज्जनों, ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश अवगत रहा है। उनका कृतित्व, उनके सामाजिक, धार्मिक और इस क्षेत्र में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किया गया कार्य आप सबके सामने, उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं और कार्यक्रमों के द्वारा आज भी गोरक्षपीठ के द्वारा संचालित है। उनकी उपस्थिति को जीवंत बनाने के लिए इस गोरक्षपीठ में उनकी समाधि, पावन समाधि स्थली पर उनकी मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध किया कि पूज्य महाराज जी की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम होना है, अगर आपका समय हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हो जाता तो हम लोग और गोरक्षपीठ आपके प्रति आभारी होते। बड़ी सहजता के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस तिथि में मुझे आना है बता देना, और आज हम सब के बीच में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में आए हैं। देश के सर्वांगीण विकास से लेकर के हर क्षेत्र में भारत अग्रणी हो, जिस सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है, हम एक बार पुनः इस संत सभा की ओर से गोरक्षपीठ के इस प्रांगण में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी उपस्थित हैं। आज वे उत्तर प्रदेश की एक आवाज बन चुके हैं। इस उम्र में भी आम जन से जुड़ी हुई समस्या और उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर के हर क्षेत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा को जिस प्रकार से उन्होंने नियमित करने का प्रयास किया है और उसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है, हम आज इस कार्यक्रम में उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारत सरकार के माननीय उर्वरक रसायन और संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री अनंत कुमार जी, हमारे अन्य सम्मानित अतिथिगण उपस्थित हुए हैं, मैं सभी पूज्य संतों के चरणों में नमन करते हुए इन सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो धन्यवाद पूज्य महाराज श्री, और इसके पश्चात राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में प्रकाशित स्मृति ग्रंथ का विमोचन। प्रभात प्रकाशन द्वारा यह स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया गया है, जिसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से आपके बीच संपन्न हो रहा है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के स्मृति में प्रकाशित स्मृति ग्रंथ का विमोचन, और इसी के साथ
प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी उसके संपादक हैं, उनको भी उत्तरी द्वारा सम्मान। साथ में पुस्तक के संपादक विश्वविद्यालय के ख्यातलब्ध आचार्य हिंदी विभाग के निवर्तमान प्रोफेसर प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी का उत्तरी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के इस काव्यात्मक शैली को अपनी जीवन शैली बनाने वाले, पूरी दुनिया में अपने और अपने देश के प्रति पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने वाले और पूर्वांचल की बेरोजगारी और बीमारी को दूर करने के लिए फर्टिलाइजर एवं एम्स जैसी संजीवनी लेकर हमारे बीच हनुमान सदृश पधारने वाले श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं गोरक्षपीठ के इस सभा को संबोधित करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार जी, इस महान परंपरा के एक मणि और सांसद श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेव आचार्य जी, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमचार्य जी, महंत श्री नरहरिनाथ जी, महंत श्री गुलामनाथ जी, महंत श्री सुरेशनाथ जी, स्वामी हरिनारायणानंद जी, स्वामी श्यामदास जी, जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, महंत शेरनाथ जी, स्वामी निर्मलानंदनाथ जी, महंत चेताईनाथ जी, स्वामी श्रवणानंद जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रातस्मरणीय आदरणीय गुरुजन संतगण और सभी भाविक भक्त, ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम सब के प्रेरणा पुरुष परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी का प्रतिमा का अनावरण करने के निमित्त आप सबके आशीर्वाद पाने का मुझे अवसर मिला। यह धरती एक विशेष धरती है, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, हर किसी का इससे किसी न किसी रूप में अटूट नाता रहा है। गोरक्षनाथ एक महान परंपरा जो सिर्फ व्यक्ति की उन्नति नहीं, लेकिन व्यक्ति की उन्नति के साथ साथ समाज की भी उन्नति, उस महान लक्ष्य को लेकर के एक परंपरा चली। कई बार समाज में परंपराओं का जब दीर्घकाल हो जाता है
तो धीरे धीरे उसमें कुछ कमियां आना शुरू हो जाती हैं, कुछ कठिनाइयां आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब परंपरा के आदर्शों को, नियमों को पूरी तरह पालन किया जाता है तो उन परंपराओं को परिस्थितियों के दबाव से मुक्त रखा जा सकता है। मैं गोरक्षनाथ के द्वारा प्रारंभ हुई इस परंपरा में, क्योंकि जब मैं गुजरात में था वहां भी बहुत सारे स्थान हैं, कभी अवैधनाथ जी के साथ एक बार मैं बैठा था, राजनीति में आने से पहले मेरा उनका संपर्क था। इस पूरी व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, नीति नियमों का पालन कैसे होता है, इस परंपरा से निकला हुआ संत कहीं पर भी हो उसकी पूरी जानकारी कैसे रखी जाती है, उसको कोई भी आर्थिक संकट हो तो कैसे उसको मदद पहुंचाई जाती है, और एक कैसी ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्था है, वो कभी मैंने महंत जी के पास से सुना था। और उस परंपरा को आज भी बरकरार रखना, इसके लिए इस गद्दी पर जिन जिन लोगों को सेवा करने का सौभाग्य मिला है उन सबने का एक उत्तम से उत्तम योगदान रहा, और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे आजादी के बाद समाज के पुनर्निर्माण का काम हो, लोकतांत्रिक ढांचे में बैठ करके तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से भी सामाजिक चेतना को कैसे जगाया जा सकता है और बदली हुई परिस्थिति का लाभ जन सामान्य तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उस पहलू को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन में इस एक आयाम को भी जोड़ रहा था जिसको आज योगी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी बाहर बहुत भ्रमणाएं रहती हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारे देश में जितनी भी संत परंपराएं हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के मठ व्यवस्थाएं हैं, अखाड़े हैं, जितनी भी परंपरा है, उन सब में एक बात समान है, कभी भी कोई गरीब व्यक्ति, कोई भूखा व्यक्ति इनके द्वार से कभी बिना खाए लौटता नहीं है। खुद के पास कुछ हो या न हो, संत किसी झोपड़ी में बैठा होगा लेकिन पहला सवाल पूछेगा, क्या प्रसाद लेकर के जाओगे क्या? ये एक महान परंपरा समाज के प्रति संवेदना में से प्रकट होती है, और वही परंपरा जो समाज के प्रति भक्ति सिखाती है, जो समाज का कल्याण करने के लिए व्यवस्थाओं को आहूत करती है, वही व्यवस्थाएं चिरंजीव रहती है। हमारे देश में हर व्यवस्था ने समयानुकूल परिवर्तन किया है, हर परिवर्तन को स्वीकार किया है, जहां विज्ञान की जरूरत पड़ी विज्ञान को स्वीकार किया है, जहां सामाजिक सोच में बदलाव की जरूरत पड़ी उसको भी बदला है। और आज तो मैंने देखा है कई संतों को जो कभी कभी आध्यात्मिक धार्मिक कामों में लगे रहते थे, लेकिन आजकल स्वच्छता के अभियान के साथ भी अपने आप को जोड़ते हैं और स्वच्छता के काम अच्छे हो उसके लिए समय लगा रहे हैं। मैंने ऐसे भी संतों के विषय में जाना है कि जो टॉयलेट बनाने के अभियान चलाते हैं, अपने भक्तों को कहते हैं शौचालय बनाइए, मां बहनों का सम्मान बने, गौरव से जीवन जिए, इस काम को कीजिए। बहुत से ऐसे संतों को देखा है कि जो नेत्रमणि के ऑपरेशन के लिए कैंप लगाते हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति को नेत्रमणि के ऑपरेशन के लिए जो भी सहायता कर सकते हैं करते हैं। कई संतों को देखा है जो पशु के आरोग्य के लिए अपने आप को खपा देते हैं, पशु निरोगी हो उसके लिए अपना जीवन खपा देते हैं।
शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सेवा हो, हर क्षेत्र में कहीं कहीं किसी किसी रूप में हमारी ये संत परंपरा आज जुड़ रही है। और समय की मांग है कि देश को लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों मठ व्यवस्थाएं, भारत को आधुनिक बनाने में, भारत को संपन्न बनाने में, भारत के जन जन में उत्तम संस्कारों के साथ समर्पण भाव जगाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं और बहुत सारे निभा भी रहे हैं। और यही बात है जो देश के भविष्य के लिए एक अच्छी ताकत के रूप में उभर करके आती है। महंत अवैधनाथ जी पूरा समय समाज के सुख दुख की चर्चा किया करते थे, चिंता किया करते थे, उससे रास्ते खोजने का प्रयास करते थे और जो भी अच्छा करते हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको पुरस्कृत करना और उस अच्छे काम के लिए लगाए रखना, ये उनका जीवन भर काम रहा था। आज मेरा सौभाग्य है कि उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, मुझे भी पुष्पांजलि का सौभाग्य मिला। और इस धरती तो तपस्या की धरती है, अखंड ज्योति की धरती है, अविरत प्रेरणा की धरती है, अविरत सत्कार्यों को पुरस्कृत करने वाली धरती है। उस धरती को नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपके आगमन से पूर्वांचल का भाग्योदय होगा, ये हम सबकी कामना है। ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, आप अपने स्थान पर बैठे रहें, सभागार में आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये कार्यक्रम संत सम्मेलन अभी चलता रहेगा और इसके पश्चात आपको अगले निर्देश दिए जाएंगे, अगला कार्यक्रम बताया जाएगा। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, बाहर बिल्कुल भीड़ ना जाए, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य संत जनों से, मित्रों से, आप सभी से निवेदन है कि आप इस सभागार में अभी रुके रहें, बाहर भीड़ के रूप में ना निकलें, अभी रुके रहें।